ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम आ चुके हैं ये नाला सपारा का जो मेन हाईवे है ना, यहाँ पे होटल है रेड कारपेट। होटल का नाम क्या है? रेड कारपेट। आज यहाँ पर हमारे चाचा की लड़की मतलब हमारी छोटी बहन की सगाई है, तो हम यहीं पर आए हुए हैं। बाकी अभी बहुत से लोग आएंगे और कितने लोग अंदर जो घर वाले होंगे वो पहले से आके पहुँचे हुए हैं। हम ही थोड़ा लेट हो चुके हैं, हम तबेले में से होके आ रहे हैं, तो अपना इधर से ऑटो पकड़े थे फिर यहीं पे उतर गए। यहाँ पर देखेंगे सामने जो पहाड़ का नज़ारा है, माउंटेन का बोले तो माउंटेन, और बीच में हाईवे है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ये मेरे प्यारे भाइयों, हम लिफ्ट से अंदर पहले माले पे आ रहे हैं और बहुत प्यारा लिफ्ट है। ये देखिए बाहर आ चुके हैं, अब बाहर देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। इधर सब एक सेंटर से कमरे बने हुए हैं और सबके नंबर लिखा हुआ 109 और 108 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे अलग है, मतलब ग्राउंड जैसा तो है नहीं। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यही है हॉल और ये सगाई का हाल है। मैं आपको बैक दिखाता हूँ, बैक साइड। ये देखा भैया गांव बफर सिस्टम, यहाँ पे लगता है नाश्ता पानी रहेगा सब बफर सिस्टम, और यहाँ पे लोग रहेंगे, अपना नाश्ता लेकर आएंगे, यहाँ बैठेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और उधर सब चेयर पे सब लोग बैठे रहेंगे, और सामने उधर उधर सामने लड़का और लड़की रहेंगे। तो अभी तो एक भी आदमी नहीं है, तो मैं ही बैठ जाता हूँ कुछ समय के लिए, क्या कर सकता हूँ। जब जहाँ कोई नहीं है तहाँ मैं ही सही बैठ जाता हूँ इधर उधर ही। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हम आ गए हैं होटल के ऊपर, मतलब होटल के ऊपर जो छत होता है अंग्रेजी में बोलते हैं टेरिस्ट, और टेरिस्ट बोलते हैं उसको, उसी के ऊपर आ गए हैं। और इधर देखिए पीछे का नज़ारा सब, इधर फैक्ट्री ज़्यादा है, कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, समझ गए। देखिए पहाड़ कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है, और कितना बढ़िया हवा आ रहा, देखिए मेरे हमारे बाल देखिए कितना तगड़ा उड़ रहा है ना। हाँ, काजल उजल लगा लिया हूँ भैया थोड़ा सा आँखों में। और इधर देखिए, ये इधर से हम तो अंदर आए हैं, और पीछे मैदान जैसा है पूरा, एकदम देख लीजिए खुला मैदान जैसा है, और बहुत बढ़िया लग रहा है तो मेरे। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अभी लाइटिंग चालू हो गया, तो अभी जो लड़के की तरफ से कुछ लोग आ गए हैं, मतलब कुछ लोग क्या, एक बस में भर के अब कितने लोग आए लेकिन आ चुके हैं, जिसमें तो 2-4-5-10 लोग इधर बैठे हैं, बाकी उनका कमरा होगा वहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसे अपने बैठे हैं। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, और यहाँ पानी पूरी का स्टॉल लग चुका है, और कृष्णा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, पानी पूरी और सेव पूरी मिलना चालू हो गया है, जो लड़के वालों की तरफ से आए हैं वो अपना चालू कर दिए हैं सिस्टम। और इधर हमारे कृष्णा भैया हैं, कृष्णा। तो चला हम उससे चली शुरू हुए, हाँ दारू आ गया है भैया। ये देखा मेरे प्यारे भाइयों, दाढ़ी मेरे चाचा कितना मगन है, देखा पियत हैं एकदम बढ़िया शरबत। और इधर देखा भाईकरा बैठा हैं, और जितने भी प्यारे प्यारे भाई लोग जो भी सगाई में आए हुए हैं, देखिए सब बैठे हुए हैं अभी तो, मतलब ये किसना देखा, ये तो एकदम फूल इंजॉय मस्ती करते हैं। और इधर देखिए इनमें हमारे मामो हैं, मतलब और ये पिंटू भैया, मेवा यार, पंधारी देख ल, गुड्डू चुलबुल भैया देख ल। सब मगन है एकदम, फोटो खींचे नाश्ता पानी करते हैं, और यहाँ पर जो भी रहते हैं मतलब नाश्ता देने के लिए या शरबत वगैरह, तो ये सब मतलब हैं, व्यवस्था फुल है, क्योंकि होटल की तरफ से ये सब व्यवस्था रहता है, पेमेंट करेंगे तो व्यवस्था तो फुल देंगे ही देंगे ना। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सिस्टर हैं दोनों, एक बड़ी और एक थोड़ा सा छोटी, और ये देखिए सब बैठे हुए हैं बढ़िया से खाए पी के, हमारे दोनों जीजा हैं। मेरे प्यारे भाइयों, भैया सब आ गया हैं, जितना हुए बराती की तरफ से हों चाहे घराती की तरफ से हों, और देखा मेरे गाड़ी चचा बैठा हैं, और यार मनीष भाई, और ये देखा यही ये भैया, इन्हें देखा ना, इन्हें यूट्यूब से बहुत पैसा चाह बटे, और इन्हें हम वीडियो में ले वाला है, मनमन्ना कमाए ले ना, कम से कम 2-4 लाख 10 लाख।
चलो बाबू दस पेंड ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों सब आ चुके हैं यहाँ पर। और बढ़िया वाह ज़्यादा बढ़िया मेरे प्यारे भाइयों नाश्ता चालू हो चुका बा कुछ ना कुछ केहू के हाथ में जात अपन खाते हैं। बेचनो पियर का कुर्ता पहन खड़ा है और पूरा एकदम नेता हो गया है। और ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों पूजा पाठ वाला कार्यक्रम खत्म हो चुका है। खाने पीने का कार्यक्रम चलेगा फिर इसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो आगे होगा। मुझे उतना जानकारी नहीं है क्या होगा सगाई में क्या होता है शायद रिंग पहनाएंगे क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता है। बाकी यहाँ मैं कहाँ जाते भैया सब नाश्ता पानी हो चुका सब जमा ही आओ बटे अपन का कर रहे हैं कुछ काम बा नहीं बैठे बैठे अपन ये कुछ सब एक राउंड सब खाए पी लिए हैं सब जमा ही आओ लगा अब सब बैठा है इधर उधर मुँह कही किए खाना ताकत है कब खाना मिले। और भैया जयराम का हाल चाल बा अरे का करी अब सगाई रहा हम क्या चला चली घूमी आई हाँ थोड़ा यूँ आओ चाहे ना नमस्ते का दाढ़ी नहीं खाइल खाइल एक चीज़ है शहर की भैया यही है शहर का है गांव का जो मज़ा है वो गांव में ही है और शहरों में भाई उतना मज़ा नहीं है। अगर यही चीज़ गांव में होता तो बहुत मज़ा आता बहुत दबा के मज़ा आता बहुत बढ़िया से। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों अब हमारी सिस्टर जी आ रही हैं यहाँ पे जो हमारे बहन के पति मतलब हमारे बहनोई कहिए चाहिए जीजा बोलिए जो भी समझिए ये सगाई है और बहुत बढ़िया से सजाया गया है और बहुत अच्छी जोड़ी है और फ़ोटो खींचने वाले जानते हैं तमाम तरह का मतलब जो भी रहता है पोज वो करवाते हैं फ़ोटो लेने के लिए क्योंकि बढ़िया लगता है देखने में ना। तो देखिए अभी लगता है इनको कुछ जमा नहीं तो फिर से उल्टा सीधा करवा के फिर से फूल को पीछे रख के अब देखिए क्या करवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पटाखों की फुलझड़ियाँ रहती है जो कागज़ जैसा रहता है। और ये देखिए अडवाणी के ये तो पूरा नेता रहे बहुत बढ़िया माहौल बना है और बहुत अच्छा लग रहा था बहुत ही प्यारा बहुत नाइस बहुत ही बढ़िया। ये कैमरा मैन सब करवाते हैं ये देखिए अभी ये हार डाला जा रहा है सगाई का जो जयमाल था वो तो हो गया। अभी ये देखा खात है नहीं देखा भैया ये दाढ़ी के देखा अभी मेवा के देखा गुड्डू देखा बाप रे बाप वहरों सब जुट गया है। ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों सगाई ख़त्म हो चुका है सब जा रहे हैं सब अपने अपने घर पर जा रहे हैं। ये हमारी बहन है और जिया जी हैं और उधर सब जितने भी लोग आए हैं सब उधर मिलजुल के सब अपने अपने घर पर जा रहे हैं। और ये है शहर का सगाई
बहुत चंद मिनटों में निपट गया और ख़त्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला भैया।